समाज का मांगना है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोगों का त्रिपुरा का कस्टम है, जब बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम हुआ था तो हजार हजार लोग आए, हमने सबको खाने के लिए कुछ दिया, पानी के लिए कुछ दिया। आज हम लोग इलेक्टेड है, सब लोग राजभवन के सामने है, एक ग्लास पानी भी हमको नहीं पूछा गया। इसका मतलब है कि अगर आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, आपका एमएलए को, आपका बुभागरा को बाहर वेट करना पड़ता है गेट का, अंदर नहीं आने देते हैं, तो आप समझ लो कि आपके संख्या होने वाली। थैंक यू। So high, honey,
মূলত আজকে আসার কারণটা কি एडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफर कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हमने गवर्नर को आज दूसरी चिट्ठी लेकर देखा, क्योंकि पहले भी हमने गवर्नर से बहुत बार मिलने की कोशिश की, बट द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज अनवेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है, कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सब ने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम अटोनमी देंगे, फुल राइट देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो दो मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, हमें पब्लिक ने चुना है वोट दी, जब हम जाते मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं, तो ये स्टेप वन की ट्रीटमेंट है। लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है, ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम मुकुम बारह लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है, आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति की संख्या अन्याय है। वरस का सीएम के साथ क्या वो अलग विषय है, सीएम का रात घर में आए थे मुझसे मिलने के लिए, मेरे संग चाय पिया उन्होंने और जो भी हमारे बीच में बात हुआ है वो प्राइवेट है, पॉलिटिकल नहीं है और मैं उसमें और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। আপনি যে বললেন যে যে বিলগুলো আপনি দাবিগুলো তুলে ধরলেন, আগামী দিন আমাদের কাউন্সিলে আগামী দিন যদি ওইগুলো প্রক্রিয়া আছে, এই কনস্টিটিউশনাল অথরিটি আছে, এডিসি অনেক বিল দিয়েছে, একটা বিল পাস হয়নি, কেন